पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है क्यों बर्बादी का चर्चा हुआ। निश्चित रूप से आज आनंद हॉस्पिटल की मूक फिजा में यह गाना गुंज रहा होगा। हरिओम आनंद अब नहीं रहे, आज उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। एक दशक लगा उसे जमाने में, अब चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। हर जुबा पर यह सवाल है कि बेहद जिंदा दिल वह हंसमुख इंसान ने इतना आत्मघाती कदम क्यों और कैसे उठा लिया। आज फर्स्ट बाइट ने इसकी गहनता से पड़ताल की। पड़ताल में पाया कि हरिओम आनंद एंड फैमिली के पास केवल 2.3% ही शेयर बचे हैं। बाकी हरिओम आनंद अपनी जिंदा दली या फिर अब उसे बेवकूफी कहा जाएगा चलते उन्होंने हॉस्पिटल के शेयर रेवड़ी की तरह लोगों में बांट दिए। दरअसल शेयर दी गई धनराशि के प्रतिशत पर आधारित होते हैं, लेकिन सिर्फ विश्वास या फिर विश्वास जमाने के चलते हरिओम ने कहीं अधिक शेयर दूसरे लोगों के नाम कर दिए। अब अंतिम समय पर उनके ऊपर इस बात का भारी दबाव था कि वह कानूनी रूप से अपने हस्ताक्षर लेकर वहां सर्वाधिक शेयर होल्डर के हस्ताक्षर सत्यापित कर दें। इसके बाद अपनी ही कंपनी में हरिओम आनंद की स्थिति बेगानी जैसी हो जानी थी, जिसके लिए हरिओम तैयार न हुए। इसके अलावा हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर भी उनकी जान जाने की वजहों में से एक बना। दरअसल ली गई धनराशि के बदले जो एग्रीमेंट पूर्व सांसद अमरपाल सिंह के भाई यशपाल आदि से हुआ था, उसके मुताबिक 12 करोड़ रुपया यशपाल आदि को सिक्योरिटी के रूप में देना था। साथ ही 90,000 रुपये प्रमोशन आनंद हॉस्पिटल को हर माह दिया जाना था। हरिओम आनंद ने अपनी मौत के पहले जो पत्र जीएस सेठी को लिखा, उसके मुताबिक यशपाल आदि ने 12 करोड़ सिक्योरिटी में से केवल 4.5 करोड़ रुपये दिए, 90,000 रुपये केवल एक माह दिए फिर बंद कर दिए। 40% जो प्रॉफिट होता है वह भी नहीं दिया। हरिओम आनंद ने सेठी को यह भी लिखा है कि जब उनके पास समय हो तो वे उनके मेडिकल स्टोर को खाली कराकर यशपाल आदि से उनके बच्चों की रोजी रोटी का प्रबंध करा दें। एक पत्र में उन्होंने एसएसपी को भी लिखा था, जिसमें कहा है कि अतुल भटनागर से हिस्से का पैसा आने की उम्मीद में उन्होंने कर्जा लिया था, लेकिन अतुल कृष्ण ने उसका भुगतान नहीं किया। अब बात आनंद हॉस्पिटल के शेयर की। मौजूदा समय में जो जानकारी निकल कर सामने आई उसमें जीएस सेठी का करीब 37.5%, ललित भारद्वाज का 15%, अशोक तनेजा गुब्बारे वाले का 26%, पूर्व निदेशक डॉक्टर अजय गुप्ता, डॉक्टर एनपी सिंह व डॉक्टर संजय अग्रवाल का 5-5 यानी 15%, कुल 2.3% हरिओम आनंद व मीना आनंद के पास इस समय है। यह नंबर एक में है, जबकि नंबर दो का कोई हिसाब नहीं है। अंकुर ज्वेलर्स के भी 90,00,000 रुपए हैं। इसे लेकर भी विवाद है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब बात आनंद हॉस्पिटल के बनने व इस हाल तक पहुंचने की। 29 अगस्त 2007 को गढ़ रोड पर आनंद हॉस्पिटल की शुरुआत हरिओम आनंद व मीना आनंद ने की थी। तब उनके साथ 3 चिकित्सक डॉक्टर एनपी सिंह, डॉक्टर अजय गुप्ता व संजय अग्रवाल कुल 5 निदेशक थे। सब ऊपरी रूप से ठीक चल रहा था कि हारमोनी इन व रासने बंद हो गए। लोगों को लगा कि अब वक्त आ गया है कि हरिओम आनंद को ब्याज पर दिया गया रुपया भी निकाल लिया जाए, तो सभी ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। शेयर होल्डर ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया था। वहां कार्यरत चिकित्सकों का पैसा भी हॉस्पिटल पर था, वह भी बराबर दबाव बना रहे थे कि हरिओम सही ढंग से हॉस्पिटल का संचालन नहीं कर रहे हैं। इस पर हरिओम ने डॉक्टर सुभाष यादव को हॉस्पिटल का संचालन सौंप दिया, जबकि बेटी मानसी बराबर कामकाज देखती रही। इस बीच करीब 23 चिकित्सकों ने बकाया को लेकर वाद दायर कर दिया। इसी साल 23 जनवरी को एक मीटिंग में जीएस सेठी ने हरिओम आनंद से कहा कि एक नौकर कैसे अपने मालिक के खिलाफ वाद दायर कर सकता है। इशारा उन 23 चिकित्सकों की तरफ था।
सुगबुगाहट हुई और चिकित्सकों को एक बड़े समूह को यह नागवार गुजरा और वे यह कहते हुए अलग हो गए कि वे यहाँ नौकर नहीं हैं। 24 जनवरी को चिकित्सकों ने डॉक्टर नवनीत अग्रवाल के नेतृत्व में अखबार में एक विज्ञापन देकर आनंद हॉस्पिटल से किनारा घोषित कर दिया। बताया जाता है कि इन सभी चिकित्सकों की मंशा थी कि वे इस तरह दबाव बनाकर हॉस्पिटल का संचालन अपने हाथ में ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद इन चिकित्सकों ने भाग्यश्री में भी बात की, लेकिन वहाँ भी इनकी व्यवस्था नहीं चल पाई। तब तक दूसरे चिकित्सकों का एक ग्रुप न्यूट्रोमा हॉस्पिटल की शुरुआत कर आनंद हॉस्पिटल को बड़ा डेंट दे चुका था। नोटबंदी के कारण प्रॉपर्टी में हरिमा आनंद द्वारा लगाया गया मोटा पैसा भी फंस चुका था। इस संपूर्ण प्रकरण का एक पहलू यह भी है कि गंभीर बीमारियों द्वारा घेरे जाने के बाद मानसी ने हरिओम आनंद का घर से निकलना बंद कर दिया था। 20 मार्च को लॉकडाउन के बाद बीते दिवस वह पहली बार घर से बाहर जेएस सेठी के घर कहकर निकले थे, लेकिन वहां जाने के बजाय वह मुरलीपुर स्थित फार्म हाउस पहुंच गए। वहां सल्फास की 7 गोलियां खाई और रास्ते भर पानी पीते पीते आनंद हॉस्पिटल पहुंचे। अपनी कुर्सी पर बैठे और सभी को बताया कि सभी मानसी का ख्याल रखें, वह जहर खा चुके हैं। उस वक्त 3 गोलियां उनके हाथ में थी। वह इलाज नहीं चाहते थे, इसलिए जबरन उन्हें इमरजेंसी ले जाया गया, जहां करीब 4:45 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।